हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेथाप्यूटिक्स। आज के हमारे लेक्चर में हम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर और रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर और उनके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। जैसे कि हम एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर्स वगैरह पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ हम इनके फार्मूलाज को थोड़ा रिवाइज करेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर की तरफ। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें कहता है कि एफिशिएंसी किस चीज के बराबर है, पावर डीसी आउटपुट अपॉन इनपुट एसी पावर। अब डीसी पावर, पावर का फार्मूला जो है वो है पी आई वी या आई स्क्वायर आर। तो अगर डीसी पावर है तो आई स्क्वायर डीसी इंटू आर एल हो जाएगा, और अगर हमारे पास एसी पावर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई आर एफ एस का स्क्वायर इंटू आर एल। अब हमारे पास अगर एवरेज वैल्यू फाइंड करना है वी आर एफ एस का एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए या आई आर एफ एस का एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए आप एरिया अंडर द कर्व और अपॉन टाइम पीरियड लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास आउटपुट वैल्यूज के लिए, तो हमारे पास एरिया आर एफ एस वैल्यू के लिए हमारे पास एरिया अंडर स्क्वायर वैल्यू अपॉन टाइम पीरियड उसका होल स्क्वायर, जैसे कि हम इसमें रूट मीन और स्क्वायर लेते हैं। तो अगर हम वीडीसी की बात करें तो डीसी में हम इंटीग्रेट करते हैं जीरो से लेकर पाए तक, और हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड होता है टू पाए। तो इंटीग्रेट करेंगे वी डी ओमेगा डी या वी थीटा जैसे भी आपका है प्लस जीरो डी थीटा। तो अगर हमारे पास वी किस चीज के बराबर है, वी बराबर है वी एम साइन थीटा के, वी एम साइन थीटा जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन टू पाए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी एम साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम जीरो टू पाए। अब साइन थीटा हमारे पास वी एम जो है वो कांस्टेंट है, तो वी एम को हम लेंगे बाय, तो हमारे पास रह जाता है साइन थीटा। अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा, माइनस ले लेंगे बायर यहाँ पे कॉमन, ये रहा हमारे पास माइनस, और फिर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में वैल्यूज पुट करिए, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, अब अपर लिमिट। अब जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस पाए किस चीज के बराबर होता है, माइनस वन के बराबर होता है, और कॉस जीरो किस चीज के बराबर होता है, वन के बराबर होता है। अगर कॉस पाए रखेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस वन, और अगर कॉस जीरो रखेंगे तो ये भी माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस वन ये होगा माइनस टू। अब माइनस और एक माइनस ये है हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी डी सी हमारे पास क्या रह जाएगा, वी एम अपन पाए, क्योंकि ये टू वी इस टू से कैंसिल हो जाता है। तो अब वी एम अपन पाए हमारे पास वी डी सी का फार्मूला है, और अगर आप आई डी सी फाइंड करें तो आप आई डी सी के लिए या फिर वी एफ अपन वी एम अपन पाए आर एल हो जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ यूज करेंगे और वी एम की जगह पे आप रखेंगे आई एम इंटू आर एल। जब आई एम आर एल रखेंगे तो आर एल जो लोड रेजिस्टेंस इस लोड रेजिस्टेंस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा आई एम अपन पाए जो कि आई डी सी होता है। उसके बाद हम इनपुट वैल्यू चेक करेंगे। इनपुट वैल्यू के लिए हमें जिस तरह हम डिस्कस किए कि पहले रूट लेना है फिर मीन फिर स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यूज वही है, इंटीग्रेट करना है वन अपॉन टू पाई से वी डी थीटा। आप जो वी डी थीटा है इसको आप स्क्वायर लेंगे, ये हमने ले लिया स्क्वायर, तो हमारे पास होगा वी एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे बायर हमने रख लिया है स्क्वायर रूट, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा वी आर एम एस, तो वी आर एम एस हमारे पास आ जाएगा वी एम स्क्वायर हम ले लेंगे कॉमन, तो वी एम स्क्वायर अपॉन टू पाई बायर आ जाएगा, हमारे पास अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये मसला है कि हम पहले इस पर लगाएंगे फार्मूला पावर रूल का फार्मूला लगाएंगे, या जिस तरह हम कह सकते हैं इसे चेन रूल से सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर से इसके साइन को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम जो फार्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा का वो आप पुट करेंगे, जो कि है वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू रखा है, तो वन अपॉन टू हम ले लेंगे कॉमन बाहर, वो अंदर रह जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग देंगे, वन को अलग इंटीग्रेट करेंगे और कॉस टू थीटा को अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब जब वन वन को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा टी फ्रॉम जीरो टू पाए, और यहाँ पे कॉस की जगह पे साइन टू थीटा अपॉन टू, तो ये भी होगा फ्रॉम जीरो टू पाए। अगर देखें तो हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पे हम जब पाए रखेंगे तो ये होगा साइन टू पाए अपॉन टू, और ये होगा साइन जीरो अपॉन टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी इसी तरह हमने किया है, अपर लिमिट पाए माइनस लोअर लिमिट जीरो, तो ये तो हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे एज इट इज जीरो आएगा, माइनस साइन 360 बाय टू। अगर हम साइन 360 भी फाइंड करें तो हमारे पास वो जीरो होता है, तो ये साइन टू पाए का जीरो और साइन जीरो अपॉन टू ये भी जीरो हो जाता है, तो हमारे पास रह जाएगा वी एम स्क्वायर अपन फोर पाए, पाए पाए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास होगा वी एम स्क्वायर अपन फोर, तो वी आर एम एस हमारा किस चीज के ऊपर हो जाएगा वी एम अपॉन टू।
जब स्क्वायर रूट लेंगे तो भी हमारे पास 2 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे भी हम लगाएंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के थ्रू हमारे पास IRMS जो आएगा वो आएगा VRMS अपन RL, VRMS की वैल्यू पुट करेंगे VM अपन 2। अब यहाँ पे VM की जगह पे हम रखेंगे IM into RL, तो RL RL से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये IM अपन 2 रह जाएगा इनपुट वैल्यू। तो हमारे पास इनपुट वैल्यू आ गई है IRMS और आउटपुट वैल्यू हमारे पास थी IDC जो कि कुल था IM अपन पाई के। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इफिशियंसी आएगी जो कि 4 अपन पाई स्क्वायर 40.6% होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास एक पहला प्रॉब्लम है, हमारे पास कहता है हमारे पास AC पावर है 100 वाट का और DC पावर है 40 वाट का। तो अगर हमें इफिशियंसी फाइंड करनी है रेक्टिफायर की और पावर सप्लाई पावर इफिशियंसी भी फाइंड करनी है। अब अगर हम रेक्टिफायर की इफिशियंसी फाइंड करेंगे तो रेक्टिफायर की इफिशियंसी है पावर DC अपन पावर AC मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास DC पावर है 40 अपन AC पावर है 100 वाट, तो ये हमारे पास इफिशियंसी होगी 0.4%। और अगर हम पावर इफिशियंसी फाइंड करें तो पावर इफिशियंसी आएगा 40 अपन 50 और यहाँ पे 50 CER है क्योंकि हमें नीचे दिया हुआ है कि ओनली 50 वाट पावर इज सप्लाइड टू द रेक्टिफायर। अब 50 वाट क्यों सप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारे पास रेक्टिफायर से पहले ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे 50 के हिसाब से देखें तो ये हाफ है, 100 का हाफ है 50, तो इसका मतलब है हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसका टर्न रेशियो है 2:1, तो इसकी वजह से हमारे पास 40/50 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो एफिशिएंसी हमारे पास आएगी 80%। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है कि AC सप्लाई 220 वोल्ट सप्लाई टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर को 220 वोल्ट हमने सप्लाई किया है और हमारे पास ट्रांसफार्मर है 10:2 जिसकी है 10:2। हमें आउटपुट DC वोल्टेज फाइंड करना है VDC जिसे हम कहते हैं और PIV फाइंड करनी है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो हमारे पास नीचे कहता है कि अज्यूम दैट द डायोड इज आइडियल। अब डायोड आइडियल है इसका मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसकी है जो RF वैल्यू है वो क्या है इक्वल टू 0 है। फॉरवर्ड वोल्टेज या इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी 0 होता है वो आइडियल डायोड होता है हमारे पास। तो अब हम टर्न रेशियो हमारे पास है 10:2, तो हमारे पास ये हो गया 5। और अगर हमारे पास कहता है कि अब यहाँ पे तो मैक्सिमम पावर अगर हम देखें प्राइमरी वोल्ट वैल्यू अगर हम देखें प्राइमरी वैल्यू के लिए हम जो है सो क्योंकि हमारे पास फुल वेव होता है हमारे पास तो प्राइमरी वाइंडिंग में या प्राइमरी कोयल में जो है सो वो प्राइमरी वैल्यू जो फाइंड करनी होती है मैक्सिमम प्राइमरी वैल्यू उसके लिए हम फुल वेव रेक्टिफायर का फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास फुल वेव का रेक्टिफायर का फार्मूला है। अब हमारे पास VRMS की वैल्यू जो है वो है VM अपन √2, तो √2 से जब VRMS वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज जिसे PMVM कह सकते हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज जो है वो है हमारे पास आएगी 311.12 अगर हम 220 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। उसके बाद सेकेंडरी वोल्टेज के लिए जो हमारे पास प्राइमरी वैल्यूज आया था मैक्सिमम प्राइमरी वैल्यू उसको हम टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मैक्सिमम सेकेंडरी वैल्यू आ जाएगी जिसे हम VSM या VM भी कहते हैं। तो जब हम टर्न रेशियो हमारे पास था 2/10, हमारे पास टर्न रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी था 10/2 या 10:2। जब हम सेकेंडरी टू प्राइमरी देखेंगे N1 देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/10। जब 2/10 से हम मैक्सिमम प्राइमरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम सेकेंडरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 62.24 वोल्ट्स। अब ये अगर हम VDC फाइंड करें तो मैक्सिमम सेकेंडरी वैल्यू हमारे पास है 62.24, इसको हम अगर पाई से डिवाइड करें तो हमारे पास VDC आ जाएगी जो 19.81 वोल्ट्स है। और अगर PIV की बात करें तो PIV मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज जो आ रहे होते हैं वही हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज होती है, जो वोल्टेज मैक्सिमम होती है रिवर्स ब्यास में अगर डायोड को मिले तो उसे पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। तो मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज जो होते हैं वही हमारे पास PIV होती है, तो इसलिए हमारे पास PIV जो होगी वो होगी 62.24 वोल्ट्स जो हमारे पास मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज है। उसके बाद हमारे पास ये 2 वाट प्रॉब्लम है जो ट्राई करें सॉल्व करने की, अगर आपसे नहीं हो रहा तो हम फिर इसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो पिछले प्रॉब्लम की तरह है, हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसका टर्न रेशियो 2:1 और लोड रेजिस्टेंस है 500 ओम, जो हमारे पास VRMS वैल्यू है RMS वैल्यू वो 240 वोल्ट्स है, तो DC आउटपुट वोल्टेज आपको फाइंड करना है और पीक इनवर्स वोल्टेज ये दोनों। और सेकंड प्रॉब्लम में अगर बात करें तो सेकंड प्रॉब्लम में भी 50 वोल्ट्स DC सप्लाई टू अ रेजिस्टेंस लोड ऑफ 1.8 kΩ प्रोवाइडेड बाय द हाफ वेव रेक्टिफायर।
अब हमारे पास 50 वोल्ट डीसी सप्लाई हमें मिल रही है, डीसी सप्लाई हमारे पास है, हमारे पास लोड रेजिस्टेंस जो है 1.8 के का है और इंटरनल रेजिस्टेंस या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ जो वैल्यू है वो है 20 ओम, तो हमें एसी वोल्टेज फाइंड करना है। तो आप इसमें एसी वोल्टेज फाइंड करने की कोशिश करें कि एसी वोल्ट किस तरह आएंगे जबकि हमारे पास डीसी वोल्ट गिवन है। उसके बाद आता है एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी भी इसी तरह होगी, डीसी पावर आउटपुट अपॉन इनपुट एसी पावर, आईडीसी का स्क्वायर इंटू आरएल अपॉन आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू आरएल। इसमें भी एवरेज वैल्यू जो फाइंड की जाएगी वो इस तरह एरिया अंडर द कर्व अपॉन टाइम पीरियड, एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे भी इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से π तक। और यहाँ पे जो डिफरेंस आता है फुल वेव रेक्टिफायर में, वो डिफरेंस आप अगर नोट करें तो यहाँ पे टाइम पीरियड में सिर्फ डिफरेंस है, टाइम पीरियड यहाँ पे T/2 है, जबकि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में जब टाइम पीरियड देखा था वो वहाँ पे T था, यानी कि T हमारे पास कितना है 2π। T अगर हमारे पास 2π है तो T/2 सिर्फ π है, ये T हमारे पास 2π है और ये T/2 हमारे पास π है। तो आप इसको सिर्फ 1π यहाँ पे बाहर जो सो इंटीग्रेशन से बाहर यहाँ पे 1π रखेंगे और इसी तरह सेम फार्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर की इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे भी आप देखें तो T/2 है, तो अगर इसे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ पे डिवाइड हो रहा तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, T/2 से 2/T हो जाएगा। और यहाँ पे Vm sin थीटा उसी तरह है, Vm कॉमन लेंगे, sin थीटा को डिग्रेड करेंगे तो उसी तरह वैल्यूज आएंगी और आपके पास वैल्यू आएगी। आप वैल्यू देखें तो वैल्यू हमारे पास जो IDC आ रही है IDC 2Im/π आ रही है, जबकि हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर में Im/π आ रहा था। अब यहाँ पे 2 इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड पाए है, जबकि हाफ वेव में हाफ वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड 2π था, तो इसी वजह से सिर्फ यहाँ पे इस वैल्यू में डिफरेंस आ रही है। और अगर एवरेज VRMS देखें फुल वेव रेक्टिफायर का, तो VRMS में भी VRMS हमारे पास है Vm/√2 या √2, तो वहाँ पे हमारे पास जो VRMS था वो था Vm/√2। तो यहाँ पे भी इसी तरह फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पाए है, अगर 2π होता तो 2 × 2 यहाँ पे 4 हो जाता और Vm/π आ जाता, Vm/√2 आ जाता, लेकिन चूँकि यहाँ पे सिर्फ पाए है क्योंकि हम फुल वेव रेक्टिफायर में सिर्फ पाए जब यूज़ करते हैं टाइम पीरियड T/2 यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है √2 आ रहा है। बाकी इंटीग्रेशन उसी तरह होगी जिस तरह हाफ वेव रेक्टिफायर की इंटीग्रेशन की जाती है। अब अगर इसकी एफिशिएंसी देखें तो इसकी एफिशिएंसी यदि आ जाती है 81.2%, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी थी वो 40.6%, यानी कि इसकी एफिशिएंसी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो टाइम पीरियड डिवाइड हो रहा है वो टाइम पीरियड हाफ वेव में हाफ था, डबल था, सॉरी टाइम पीरियड जो हाफ वेव रेक्टिफायर में था वो डबल था और यहाँ पे टाइम पीरियड हाफ है, तो टाइम पीरियड जब डिवाइड होता है तो एफिशिएंसी इसी वजह से कम हो रही होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, और फुल वेव रेक्टिफायर में इसी वजह से यहाँ पे 81.2% आ रहा है। लेकिन याद रखें कि एफिशिएंसी 81.2% या 40.6% तब आएगा जब आप RF को फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है उसको जब निगलेक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू RL, जब RL लार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू RF। उसके बाद इसकी अगर प्रॉब्लम को देखें तो कहता है अपुल वेव रेक्टिफायर यूजेस 2 डायोड्स, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड में बी अज्यूम्ड कांस्टेंट एट 20 ओम, तो RF हमारे पास है 20 ओम एंड इफ द ट्रांसफार्मर यूज RMS सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम सेटर टिप टू ईच एंड ऑफ द सेकेंडरी 50 वोल्ट एंड द लोड रेजिस्टेंस 90-80, तो हमें द मीन लोड करंट यानी कि हमारे पास यहाँ पे IDC हमें फाइंड करना है, लोड रेजिस्टेंस हमें मिला हुआ है और उसके अलावा हमारे पास VRMS भी जो वैल्यू है 50 वोल्ट वो भी हमें मिली हुई है, तो हमें IDC फाइंड करना है और IRMS फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ अगर देखें तो मैक्सिमम वोल्टेज के लिए आप AC सप्लाई में जो मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई चल रहे होते हैं, मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज अगर हम देखें तो उसके लिए हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.7 वोल्टेज हमारे पास VSM जो हमारे पास आएगा वो 70.7 वोल्ट। और उसके बाद मैक्सिमम लोड करंट अगर हम देखें तो IM जो आएगा Vm/RF+RL, तो 70.7 / 1000 करेंगे तो हमारे पास IM जो आएगा वो आएगा 70.7 मिली एम्पेयर। उसके बाद अगर हम IDC देखें तो IDC के लिए हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर का फार्मूला था वो था 2Im/π, तो जब हम IM और π की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास
ITC आएगा 45 मिली एम्पियर, और IM अपन स्क्वायर रूट 2 IM जब 70.7 मिली एम्पियर रखेंगे स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 मिली एम्पियर IRMS वैल्यू आएगी। दूसरा जो प्रॉब्लम है उसमें RMS इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट्स है और टर्न रेशियो हमारे पास 4:1 है और लोड रेजिस्टेंस 2 ओम है, RF पावर बट जो रेजिस्टेंस है वो 0 ओम है, इसका मतलब है जो डायोड हमारे पास है वो आइडियल है। उसके बाद RMS सेकेंडरी वोल्टेज अगर हम फाइंड करें तो इसके लिए आप 230 मल्टीप्लाई टर्न रेशियो जिससे जब डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास 57.5 वोल्ट्स आएंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि क्योंकि पिछले वीडियो में जो हमने किया था पहले हमने स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया था RMS को, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय RMS इज इक्वल टू VN। तो आप अगर पहले स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे RMS को उसके बाद जो है सो टर्न रेशियो से डिवाइड करेंगे फिर भी जो VN हमारे पास आएगी वो 81.3 वोल्ट्स आएंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें फर्क किससे नहीं पड़ता। उसके बाद DC आउटपुट वोल्टेज हमने फाइंड करना है PIB और आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो DC आउटपुट वोल्टेज के लिए हम पहले IDC फाइंड करेंगे, IDC हमारे पास है V2VM डिवाइडेड बाय पाई RL, तो VM हमारे पास है 81.3 वोल्ट और RL जो हमारे पास है लोड रेजिस्टेंस 200 ओम मल्टीप्लाई बाय 3.14 जो पाई की वैल्यू है, तो हमारे पास जो IDC आएगा वो 0.26 एम्पियर आएगा। और जब हम VDC फाइंड करेंगे तो VDC इज इक्वल टू IDC मल्टीप्लाई बाय RL करेंगे तो 0.26 से जब 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 वोल्ट्स हमारे पास BDC आ जाएगा। उसके बाद PIB जो होती है वो उसी तरह BM के इक्वल होती है, 81.3 हमारे पास PIB आएगी क्योंकि मैक्सिमम जो रिवर्स बायस में वोल्टेज फ्लो कर रहे होते हैं मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज उसे PIB कहते हैं, तो PIB 81.3 वोल्ट रहेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है अपन पे रेक्टिफायर का वो डबल होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल होता है, तो जब हम इनपुट फ्रीक्वेंसी को टू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आएगा वो 100 हर्ट्ज आएगा। उसके बाद ये एक बार हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, हमने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं। जो प्रॉब्लम है वो कहता है कि एक ब्रिज रेक्टिफायर है जिसमें हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 136 वोल्ट्स हैं और 230 वोल्ट्स इनपुट वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 हर्ट्ज़, तो हमने आपको फाइंड करना है DC लोड वोल्टेज और PIV उसके बाद आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद आता है रिपल फैक्टर। आप रिपल फैक्टर किस चीज़ को कहते हैं, रिपल फैक्टर जब AC कंपोनेंट्स हमारे पास आउटपुट जो आ रहा होता है DC आउटपुट उसमें जब AC कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं साथ में तो हम उसे कहते हैं रिपल फैक्टर। जितना रिपल ज़्यादा होगा उतने हमारे पास आउटपुट जो है वो अच्छी नहीं होगी और आउटपुट इतनी यूजफुल नहीं होगी। उसके अगर हम इसका फार्मूला देखें तो हमारे पास फार्मूला जो है रिपल का फार्मूला है रिपल इज इक्वल टू रिपल फैक्टर इज इक्वल टू VAC अपन VDC, तो रिपल फैक्टर होता है VAC अपन VDC। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है VRMS इज इक्वल टू ये VRRMS लिखा है इसको VAC कहते हैं, तो ये है हमारे पास VAC VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू VAC का स्क्वायर प्लस VDC का स्क्वायर। जब हम VAC निकालेंगे तो VRMS माइनस VDC VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। और जब हम अब VAC हमारे पास है यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ से VDC से डिवाइड करें तो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा रिपल फैक्टर VDC अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा और ये VDC भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो VAC अपन VDC रिपल फैक्टर के इक्वल होता है और VRMS अपन VDC स्क्वायर और माइनस VDC स्क्वायर अपन VDC स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आएगा VRMS माइनस VDC। तो VDC हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम अगर रिपल फैक्टर देखें तो हाफ वेव के लिए VDC होता है VM अपन पाए और VRMS होता है VM अपन 2। अगर हम ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करें यहाँ पे अगर हम ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास फैक्टर आ जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर का जो कि कुल होता है 1.21 के रिपल फैक्टर होता है 1.21 के कुल, और ये बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है क्योंकि हमारे पास रिपल फैक्टर किस चीज़ के इक्वल है VAC अपन VDC, मतलब कि अगर AC की कंपोनेंट्स ज़्यादा है और DC की कंपोनेंट्स कम है तो इसी वजह से रिपल फैक्टर जो है सो वो ज़्यादा है 1 से और ये हमारे पास इतना एफिशिएंट नहीं होता। इसके बाद अगर हम रिपल फैक्टर देखें फुल वेव रेक्टिफायर का तो फुल वेव रेक्टिफायर में भी इसी तरह हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था VRMS अपन VDC
ये VRMS अपन VDC का स्क्वायर, इसमें अगर हम VRMS और VDC के वैल्यूज पुट करें, फुल वेव रेक्टिफायर के VRMS होता है VM अपन अंडर रूट 2 और VDC होता है V2 VM अपन पाए, अगर ये हम इसमें पुट करें तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो इक्वल आता है 0.483 एन। इसका मतलब है जो हमारे पास DC आउटपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा है, DC के फैक्टर्स या DC के कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू AC के कंपोनेंट्स, तो ये एफिशिएंट हैं एज़ कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। उसके बाद अगर हम इसका एक प्रॉब्लम देखें तो इसमें हमारे पास कहते हैं एक पावर सप्लाई है जो 10 वोल्ट, हमारे पास ए पावर सप्लाई है जिसका नाम है ए, वो डिलीवर करता है 10 वोल्ट DC विद रिपल ऑफ 0.5 RMS और VRMS हमारे पास 0.5 है उसमें। और अगर हमारे पास दूसरा पावर सप्लाई है बी जो 25 वोल्ट DC सप्लाई कर रहा होता है विद रिपल फैक्टर ऑफ 1 mV, तो हमें बताना है कि कौन सा बेटर पावर सप्लाई है। तो बेटर पावर सप्लाई के लिए हमारे पास जो फार्मूला है रिपल फैक्टर का VAC अपॉन VDC, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ए के लिए 0.5 वोल्ट है VRMS और VDC है 10, और परसेंटेज के लिए जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5%, यानी कि रिपल फैक्टर उसमें जो ए पावर सप्लाई है उसमें रिपल फैक्टर कितना है 5% है। उसके बाद अगर पावर सप्लाई बी के लिए देखें तो ये 1 mV है VRMS 1 mV है, तो ये कुल हो जाएगा 0.001 और हमारे पास जो आउटपुट दे रहा होता है DC वो 25 वोल्ट से मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे तो हमारे पास 0.004% रिपल होता है, यानी कि रिपल इसमें कम है एज़ कम्पेयर टू पावर सप्लाई ए, तो इसलिए क्लियरली पावर सप्लाई बी बेटर है एज़ कम्पेयर टू ए।